नमस्कार दोस्तों, अर्ड डिजिटल ब्लॉगर में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक और एडवाइजरी कंपनी की जिसका नाम है एपिक रिसर्च। कुछ बताना चाहेंगे इस वीडियो के शुरुआत से पहले कि हम आने वाले कुछ दिनों में एडवाइजरी और रिसर्च फॉर्म्स के रिव्यूज लेके आएंगे। कई बार होता है कि आपका एक्सपीरियंस किसी फॉर्म के साथ अच्छा नहीं रहा। हमारा जो मकसद है वो सिर्फ रिव्यू देना है। अगर आपका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा तो कृपया वीडियो को डिसलाइक मत कीजिए। वी हैव नो एजेंडा हेयर। हमारा कोई भी लेना देना नहीं है उस किसी भी कंपनी के साथ, फॉर दैट मैटर। हमारा काम है सिर्फ रिव्यू देना। अगर आपका एक्सपीरियंस बुरा रहा है तो कमेंट्स में जरूर बताइए, लेकिन वीडियो के साथ उस हिसाब से इनजस्टिस मत कीजिए। रेस्ट वी लीव इट टू योर विजडम। एनीवे, एपिक रिसर्च एक इंदौर बेस्ड फर्म है। अब ये भी मानना है बहुत से लोगों का कि इंदौर की जो एडवाइजरी कंपनीज हैं वो ज्यादातर फेक होती हैं। हालांकि जो ये स्टेटमेंट है इसमें कोई गलत बात नहीं है। आपको 80 से 90% जो भी कंपनीज अप्रोच करेंगी इंदौर की एडवाइजरी कंपनी की तरह, वो बेसिकली आप समझ सकते हैं, आप ट्राई भी कर सकते हैं। ज्यादातर वो फेक होती हैं। फेक इन द सेंस कि हाँ, कंपनी जरूर है लेकिन जो उनकी टिप्स रहेंगी वो ज्यादा फायदेमंद आपको नहीं पहुंचा पाएंगी। तो उस हिसाब से आप अपना डिसीजन ले सकते हैं। एपिक रिसर्च के इस रिव्यू में बात करेंगे इसके अलग अलग प्लान्स की, देखेंगे इस कंपनी का बैकग्राउंड क्या है, खर्चे क्या लेती है और आपको इसमें अपना सर्विसेज लेने चाहिए या नहीं। सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कीजिए और हमारी रेगुलर वीडियोस के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। तो शुरुआत करते हैं कंपनी की बैकग्राउंड के साथ। एपिक रिसर्च एक इंदौर बेस्ड स्टॉक मार्केट एडवाइजरी कंपनी है। 2011 में एस्टेब्लिश हुई थी, तो करीब 8-9 साल हो चुके हैं इसको एस्टेब्लिश हुए। ये आपको इक्विटी, कमोडिटी, फॉरेक्स और डेरिवेटिव्स के सेगमेंट्स में अलग अलग प्लान्स, अलग अलग सर्विसेज प्रोवाइड करती है। अब ये 10-20% में आती है जो कि अच्छी है, ये डिपेंडेबल है, या वो 80% के ओवरऑल परसेंटेज में आती है जो कि फेक है, नुकसान पहुंचाएंगी, ये शायद आपको हम वीडियो के एंड तक समझा पाएंगे। पिछले कुछ दिनों में हालांकि बहुत से क्लाइंट्स ने मल्टीपल कंसर्न्स रेज किए हैं, स्पेसिफिकली इनके कस्टमर सपोर्ट को लेके, इनकी एक्यूरेसी को लेके। खैर, ये एक चीज है जो कि ज्यादातर कॉमन होती है काफी एडवाइजरी कंपनीज के साथ, लेकिन एट द सेम टाइम ये आपको 2 दिन का फ्री ट्रायल भी देते हैं जिससे कि आपको अंदेशा हो सके। खैर, ये आपको मोबाइल ऐप प्रोवाइड नहीं करेंगे और ज्यादातर जो टिप्स होंगे SMS के द्वारा आपको अवेल करवाई जाएंगी। व्हाट्सएप भी एक जरिया है जो आप यूज कर सकते हैं अपने टिप्स को लेने के लिए एपिक रिसर्च के द्वारा। अलग अलग प्लान्स हैं इनके पास, रेगुलर सर्विसेज हैं अलग अलग सेगमेंट्स में, प्रीमियम सर्विसेज हैं जिसमें टिप्स कम रहेंगी लेकिन एक्यूरेसी ज्यादा होगी, इंस्टीट्यूशनल लेवल के जो निवेशक हैं उनके लिए भी सर्विसेज हैं, और टेलर मेड प्लान्स हैं HNI हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स के लिए भी स्पेसिफिक लेवल के कस्टमाइज प्लान्स ये कंपनी देती है। वहां अगर हम खर्चे की बात करें, प्राइसिंग की बात करें कि कितना पैसा आपको देना पड़ेगा, इसके लिए हमें चलना पड़ेगा जल्दी से adigitalblogger.com की तरफ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो भी हमने अभी तक बात की है वो सर्विसेज हैं आपके सामने, और ये सारा का सारा खर्चा जो आपको देना पड़ेगा, ये 4 तरह के प्लान्स देते हैं हर सर्विस के अंदर। मतलब आप महीने का, 3 महीने का, 6 महीने का या 12 महीने साल का प्लान ले सकते हैं, डिपेंडिंग के आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। रेगुलर सर्विसेज में इक्विटी में स्टॉक कैश, प्रीमियम स्टॉक कैश, रोडियम कैश, पोजिशनल कैश के अलग अलग प्लान्स हैं। स्विंग ट्रेडिंग करते हैं आप अगर, तो वो भी आप यूज कर सकते हैं। मंथली 7500 के करीब का खर्चा है। इसके अलावा आपको GST भी देना होगा 18%, तो उस हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आप साल का प्लान लेते हैं तो डिपेंड करता है कौन सा प्लान लेते हैं, 50,000, लाख रुपए, 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख के भी सालाना प्लान्स इनके पास हैं। फॉर एग्जांपल, आप यहाँ पे देख सकते हैं स्विंग कैश का ये प्लान है जो कि 1,18,000 से शुरू होता है मंथली लेवल पे, और साल का ये 7,08,000 रुपए आपसे लेंगे आपकी ट्रेडिंग करवाने के लिए। स्टॉक कैश लिमिटेड PCG ये रेगुलर सर्विसेज में था, अभी डेरिवेटिव फ्यूचर्स में भी आप निवेश करना चाहते हैं तो उस हिसाब से डिपेंडिंग क्या रिक्वायरमेंट है वो प्लान पिकअप कर सकते हैं। थोड़ी बहुत नेगोशिएशन चलती है, डिस्काउंट भी शायद दे देंगे आपको, लेकिन इतना बड़ा डिस्काउंट भी नहीं होगा। ओवरऑल लेवल पे इतना आप देख सकते हैं सामने प्राइस इसी के अराउंड रहेंगे। डेरिवेटिव्स ऑप्शंस में निवेश करते हैं तो 6200 से प्लान शुरू होता है कॉल एंड पुट रेगुलर में। प्रीमियम ऑप्शंस में यही प्लान 22,000 का बन जाता है। बैंक निफ्टी में ये प्लान 6200 का अगेन हो जाता है। सिविल लेवल पे डिपेंड करता है कौन से पर्टिकुलर निवेश सेगमेंट में आप पर्टिकुलर ट्रेडिंग करना चाहेंगे। कॉम्बो प्लान है इनके पास जो कि 18,000 से शुरू होते हैं और साल का करीब 1,10,000 बन बैठेगा। टेलर पेड प्लान है, मतलब कि आपको अपने हिसाब से निवेश करना है, अपनी टिप्स चाहिए तो आप 5400 से शुरू कर सकते हैं मंथली लेवल पे, यही साल का प्लान करीब 32,000 का हो जाएगा। ऐसे बहुत से प्लान्स हैं adigitalblogger.com, ये लिंक आपको हम प्रोवाइड करेंगे, इसको आप आराम से समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं और डिपेंडिंग कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है उस हिसाब से आप इसमें के प्लान ले सकते हैं। फंडामेंटल टिप्स चाहिए
करनी है तो रिपोर्ट्स मिलेंगी आपको मंथली, क्वार्टरली, सेमीनरली, ईयरली लेवल पे 54 से शुरू होकर 35,900 रुपए तक। तो जहां तक प्राइसिंग की बात है, खर्चे की बात है, रिलेटिवली महंगा एडवाइजरी फॉर्म है ये। एक बिगिनर लेवल का जो निवेशक है जिसको थोड़ा बहुत पैसा देना है इनिशियली और देखना है कि कितना वो प्रॉफिट बना सकता है, उसके लिए लिमिटेड ऑफरिंग्स हैं और ऑलमोस्ट ना के बराबर है इनफैक्ट। वहीं पे आप एपिक रिसर्च की कस्टमर सपोर्ट की बात करें तो आपको ईमेल, लैंडलाइन और मोबाइल नंबर भी दिया जाएगा जिसके थ्रू आप बात कर सकते हैं। वेब चैट भी है इनके पास, हालांकि हमने ट्राई किया इसको, लेकिन वेब चैट बेसिकली एक तरह का एक फॉर्म है जो भरवाते हैं आपसे, नेम, ईमेल आईडी, फोन नंबर ले लेते हैं और फोन आ जाता है कस्टमर एक्विजिशन के लिए। तो जो लोग इनके कस्टमर्स ऑलरेडी हैं अगर वो सपोर्ट चाहते हैं तो ज्यादातर ईमेल और फोन के थ्रू ही ये इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। जहां तक हमें पता है, जो लोगों से हमने बात की, जो फीडबैक हमें मिला, उस हिसाब से कुछ ज्यादा पॉजिटिव इसका इंप्रेशन नहीं बनता। कस्टमर सपोर्ट के लेवल पे टर्न अराउंड टाइम काफी स्लो है। उस हिसाब से अगर आप किसी ट्रेड में फंसे भी हैं या आपको नुकसान हुआ है तो इतनी जल्दी आपके लिए ये टर्न अराउंड नहीं करेंगे, जल्दी से आपको रिस्पॉन्स नहीं प्रोवाइड करते, रेगुलर लेवल की बात नहीं करते। कुछ कुछ केसेस हैं जहां पे ऐसी इश्यूज आए हैं, तो उस हिसाब से आप अपना डिसीजन ले सकते हैं। कस्टमर सपोर्ट एक बहुत ही कंसर्निंग एरिया है एपिक रिसर्च के लिए। वहीं पे इस एडवाइजरी फर्म के फायदों की नुकसानों की बात करें तो फायदों में ये कंपनी करीब 8-9 साल से एस्टेब्लिश है, तो उस हिसाब से डेफिनेट लेवल पे थोड़ा सा विश्वास, थोड़ा सा ट्रस्ट फैक्टर बनता है। वैरायटी ऑफ सर्विसेज हैं, जैसे कि हमने आपको बताया कि बहुत से प्लान्स हैं इनके पास और वो प्लान्स में सेग्रीगेशन है आगे चल के अलग अलग फ्रीक्वेंसी की, मंथली, ईयरली, क्वार्टरली, सेमी एनुअली लेवल की, और आपको 2 दिन का जो ये आपको उस हिसाब से फ्री ट्रायल भी प्रोवाइड करते हैं। बैड कस्टमर सपोर्ट, जैसे कि हमने बताया, एक बहुत बड़ा नुकसान है इस फॉर्म का, जो कि आप शायद ना चाहते हुए भी फेस करें। फिर लिमिटेड ऑप्शंस फॉर बिगिनर ट्रेडर्स, जैसे कि हमने बताया पहले आपको कि ऑप्शंस बहुत हैं, मतलब प्राइसिंग प्लान्स काफी हैं, रेंज अच्छी है, लेकिन एक बिगिनर लेवल का छोटे निवेशक का प्लान नहीं दिखा हमें जो कि वो यूज कर सके। रिफंड नहीं है, बिल्कुल भूल जाइए अगर आपने एक बार पैसा दे दिया। हालांकि ज्यादातर एडवाइजरी कंपनी जैसा करती हैं, एपिक रिसर्च को एक्सेप्शन नहीं है, कि आपका अगर पैसा चला गया आपको रिफंड तो नहीं आने वाला, इररिस्पेक्टिव आप फायदा बनाए या नुकसान खाए। तो उस हिसाब से अगर हमारा रिकमेंडेशन लिया जाए तो हम 10 में से प्रोबेबली इसको 4 या 4.5 स्टार देंगे। प्राइमरीली उनका कस्टमर सपोर्ट, जो कि एक हैवी एरिया है जिन पे ध्यान देने की जरूरत होती है किसी भी कंपनी को फॉर दैट मैटर, लेकिन यहाँ तो एक निवेशक का पैसा इन्वॉल्व है, तो उस हिसाब से एक पॉजिटिव वाइब नहीं आती। इस पूरे के पूरे रिव्यू को आप digitalblog.com/advisory/epicresearchreview पे जाके पढ़ सकते हैं। ये लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रहेगा। अगर आप हमसे कुछ मदद चाहते हैं एक बेहतरीन या एक अच्छी एडवाइजरी फर्म के सजेशन के लिए जिसपे आप डिपेंड कर सकें, तो digitalblog.com/best stock broker/best stock market advisors पे जाके आप इस पे अपनी डिटेल दीजिए, आपके लिए कॉल बैक अरेंज कर दिया जाएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि आपको पसंद आया हो। अगर ऐसा है, लाइक करें, शेयर तो डेफिनेटली करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें अगर अभी तक नहीं किया तो। थैंक यू सो मच, बाय।